20 नवंबर 2011 की रात मुंबई शहर में मालाड वेस्ट के इलाके में रहने वाली मासूम महक वालिया और उसकी मां के साथ जो हुआ वो कोई डरावना सपना नहीं था, बल्कि बड़ी ही खौफनाक हकीकत। और क्यों, आखिर एक हंसते खेलते परिवार के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे छोड़िए छोड़िए मुझे। तू डर क्यों रही है? मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ, मार थोड़ी रहा हूँ। आजा इधर बैठ। देख महक अब 10 साल की हो गई, तो उसका एक छोटा भाई भी तो होना चाहिए ना। अरे अब उस बात को कितने टाइम तक तू अपने मन से लगा के रखेगी? जब भी तेरे पास आता हूँ तू यूं ही मुझसे दूर चली जाती है। अब जानते हैं ना, मैं उस बात को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। अगर खुद नहीं भूलेगी तो ना तू जिएगी ना मुझे जीने देगी। मैं उस बात को याद भी नहीं करना चाहती। प्लीज उस बात का जिक्र मेरे सामने दोबारा मत कीजिएगा। हरप्रीत किस दर्द के बारे में बात कर रही थी? आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो अपने पति को भी अपने पास नहीं आने देना चाहती थी? वालिया जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शेखावत साहब। गुड मॉर्निंग बाबू जी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज महक बिटिया को आप स्कूल छोड़ने जा रहे हैं? ऑफिस से छुट्टी ली है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या है कि आज महक ने अपनी स्कूल की बस मिस कर ली है, तो मैंने सोचा कि मैं ही ड्रॉप कर लूं। ओहो। अरे सुनो। यस सर। कहाँ जा रहे हो? सर 705 में राजेंद्र वालिया जी के घर में, उनका कुरियर है। ला मुझे दे दो ये पार्सल, मैं हूँ राजेंद्र वालिया। लेकिन सर कुरियर उनके घर पे ही डिलीवरी देना है तो इसलिए। तो फिर आप एक काम करो, 1 घंटे बाद आना। ठीक है सर, जाइए। अरे वालिया साहब उसको क्यों लौटा दिया, घर पे भाभी जी तो होंगी। शेखावत साहब आप तो जानते हैं ना, आजकल का जमाना बहुत खराब, किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और वैसे भी हरप्रीत अभी घर पर अकेली है, तो इसीलिए। महक बेटा बाय बोलो अंकल आंटी को। बाय बेटा। बाय बेटा। चलो टेक केयर। बिल्कुल मस्ती मत करना स्कूल में। मिस्टर वालिया अपनी फैमिली को लेके कितने प्रोटेक्टिव हैं। पड़ोसियों की नजरों में वालिया परिवार खुश परिवार, ख्याल रखने वाला पति, घर को अच्छे से संभालने वाली पत्नी और एक प्यारी सी मासूम बच्ची। अब ऐसे परिवार के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती? या फिर वजह कोई और थी जिसके कारण पूरे परिवार को एक साथ मारने की कोशिश की गई? आप आ गए? क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं शर्मा जी, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नमस्ते वाले जी, मैं आपका इंतजार कर रहा। वो क्या आज ऑफिस जाने के लिए थोड़ी देर हो गई तो मैंने सोचा हम साथ में चलेंगे, लेकिन आप तो। शर्मा जी आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है? जी। तो फिर आपको मेरे घर आने से पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था कि आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, और अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो कितने बजे जा रहा हूँ। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे फोन कर लेना चाहिए था। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आज मैं ऑफिस लंच के बाद जा रहा हूँ, आप जाइए ना, आपको लेट हो जाएगा। जी भाभी जी चलता हूँ, चाय के लिए थैंक यू। शर्मा जी निकल मेरे घर से। भाभी जी गुस्सा होने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझे उतना ही पसंद करती हो जितना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तो वालिया जी के गैर मौजूदगी में तुम मुझे अपने साथ यहाँ बिठा कर रखती हो। निकलो यहाँ से, तुम ऐसे निकलते धक्के मार के निकलो। तुमसे 10 साल बड़े हैं। मुझे वालिया जी को फोन करके बुलाना ही पड़ेगा। नहीं भाभी जी देखिए ऐसा मत कीजिए, वालिया जी को कुछ मत बताइएगा। देखिए मुझे लगा कि आप भी मुझे उतना ही पसंद करती जितना। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे वालिया जी आप। शर्मा जी मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, जब भी मैं घर पर नहीं होता हूँ तभी आपका मेरे घर पर आना होता है। सॉरी वाले जी मुझे लगा कि आप घर पे होंगे इसलिए, और मुझे ना आपसे जरूरी काम की बात करनी थी तो मैं तेरे सारे बाने ठीक से जानता हूँ, और अगर आइंदा से तू मेरे घर पर दिखाना तो मैं। वाले जी क्या बात है शर्मा जी? कुछ नहीं शिकावत साहब। हरप्रीत
उठिए, सुबह हो गई है। नींबू पानी इसे पीने से आपके सर का दर्द कम हो जाएगा। हरप्रीत, सॉरी यार, वो कल नशे में तुझे डांट दिया। वो क्या है ना कि पहले से ऑफिस में टेंशन बहुत है, ऊपर से उस मनु शर्मा को फिर से घर पर देखकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। वो शर्मा जी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और रहने दे यार, उसके बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी। उसका नाम सुन के ही ना मुझे, तू एक काम कर, नाश्ता लगा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। और सुन, सॉरी। हरप्रीत जी, तुम कुछ भूल रही हो, याद करो आज क्या है। मैं भूल रही हूँ, क्या है आज? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। आपको याद है? ऑफ कोर्स याद है, और मैंने सारी तैयारियां भी कर रखी है। देखिए, आज ऑफिस है छुट्टी, हम सब बाहर चलेंगे, लंच भी बाहर करेंगे और रात को आकर घर पर केक भी काटेंगे। मम्मा, आई एम रेडी। रेडी? बेटा इधर आओ, आज ना तुम्हारी स्कूल से छुट्टी। आज तो मेरी इंग्लिश की टेस्ट है। अरे टेस्ट वाइज सब भूल जाओ, आज हम सब बाहर घूमने चलेंगे। ओके, यस। हरप्रीत ने पूरा दिन अपने परिवार के साथ बेहद खुशी के साथ गुजारा। राजेंद्र और हरप्रीत के बीच जो गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी थी। फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। अरे 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 वाले साहब, क्या हुआ आपको? क्या? जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो और पुलिस को भी बुलाओ, जल्दी जल्दी। महक और हरप्रीत खून से लथपथ पड़े हुए, लेकिन कौन थे ये लोग जिन्होंने इस प्यारे से परिवार पर इतनी बेरहमी से हमला कर दिया? क्या ये लूटपाट या फिर डकैती का मामला था या फिर और कोई साजिश? हरप्रीत, सब ये संभालिए अपने आप को। मेरी बच्ची हो, मेरी बीवी का? सर अभी आप लेट जाइए, आपकी हालत अभी नाजुक है। लेकिन मेरी बीवी, मेरे बच्चे। I am sorry, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सकते। क्या? मिस्टर वालिया। सर। हरप्रीत। देखिए, आपकी वाइफ को हॉस्पिटल लाने में काफी देर हो चुकी थी। क्या आप हरप्रीत की सगी बहन है? जी। आप उस वक्त वहाँ मौजूद थी जब ये घटना घटी? जी नहीं इंस्पेक्टर, मैं वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रहती, मैं वहीं थी। मिस्टर शेखावत के पास में मेरा मोबाइल नंबर, उन्होंने ही मुझे इस हादसे के बारे में। मिस्टर वालिया जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ? उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, पूरे दिन साथ में घूम रहे थे, उसके बाद हम घर भी आए, हमने साथ में मिलकर केक भी खाया, सब कुछ अच्छा जा रहा था। फिर अचानक रात को 3 बजे इंस्पेक्टर साहब, उन लोग ने अपना चेहरा ढका हुआ था और लाइट भी ऑफ कर दी थी, इसीलिए मैं उनका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। कितने लोग थे? 4 लोग थे। मिस्टर वालिया, एक काम करते, आपके घर चलते, देखते कि कौन कौन सा सामान गायब। बचा ही क्या है देखने के लिए? देखिए, अगर वो लुटेरे कोई भी सामान बाहर बेचेंगे तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं,
लेकिन उसके लिए हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपके घर से चोरी किया क्या हुआ। ओके एक्सक्यूज मी मिस्टर वालिया जी, आप एक बार अलमारी चेक कर लीजिए, देखिए आपका सारा सामान है या नहीं। तो खाली है, ये भी खाली है, यहाँ सिर्फ ज्वेलरी के बॉक्सेस हैं, इनमें गहने तो है ही नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, मिस्टर वालिया ये पैसे? ओ हाँ, वो हमारे घर पर काम होने वाला था तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए 4 लाख रुपए निकाल के रखे थे। बड़ी अजीब बात है, चोर ये सारे पैसे छोड़ गए और कहने लगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि जीजा जी के घर से भागने के बाद वो लुटेरे जल्दबाजी में पकड़े ना जाने के डर की वजह से भाग गए और उनकी नजर ही ना पड़ी हो पैसों पे। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए, इस केस को हमें हर एंगल से देखना हो, ये केस काफी पेचीदा लगता है। हेमंत, एक काम करो, आसपास के लोगों से पता करो कि वालिया साहब की किसी से दुश्मनी तो नहीं। पहली नजर में यह मामला लूटपाट का लग रहा है, लेकिन जब पुलिस को यह पता चला कि लुटेरों ने अलमारी में रखे हुए 4 लाख रुपयों को हाथ तक नहीं लगाया, तब उन्हें शक हुआ कि ये सब उन्हें गुमराह करने के लिए किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये मामला लूटपाट का नहीं था तो फिर इसके पीछे असली वजह क्या थी, और इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस वालिया परिवार के पड़ोसियों से पूछताछ करने लगी। पुलिस को पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान एक अहम जानकारी मिली। मिसेज वालिया के मर्डर के एक दिन पहले मिस्टर वालिया और शर्मा के बीच में कुछ बहस हो रही थी, लेकिन किस बात पर वो लोग झगड़ा कर रहे थे मुझे पता नहीं। शर्मा हरप्रीत पर अपनी बुरी नजर रखे हुए, और हरप्रीत ने शर्मा की बदतमीजी की वजह से उसे थप्पड़ भी मारा। उसी दिन राजेंद्र ने शर्मा को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या शर्मा ने अपनी बेइज्जती का बदला इस तरह से लिया? यही सच जानने के लिए पुलिस ने शर्मा को गिरफ्तार किया और उसे रिमांड पर भी लिया। सच कह रहा इंस्पेक्टर साहब, मैं उसमें बुरी नजर जरूर रखता था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। मैं सच कह रहा, मैंने खून नहीं किया। अगर तुमने उसका खून नहीं किया तो वालिया साहब के गैर मौजूदगी में उनका घर क्यों जाएगा? देख, हमारे पास चश्मदीद गवाह है, सच सच नहीं बताया ना तो अभी मैं उसे बुला। उस दिन जब मैं उनके घर पे गया था, और जो खुशी वो तुम्हें नहीं दे सकते, फिर जब उन्होंने मुझे चाटा मारा तो मैं चुपचाप घर से चला गया, लेकिन फिर घर के बाहर मुझे वाले साहब मिले और उस दिन वो बहुत गुस्से में थे, इसलिए मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया सर। तुम्हें बहुत बेइज्जत, और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने हरप्रीत का मर्डर कर दिया है ना? ले, 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 सर, मैं भगवान की स्वागत करता हूँ, कहता मेरा किसका खून देखे, प्लीज इंस्पेक्टर साहब मुझे जाने दीजिए, मेरा किसका खून देखे। इंस्पेक्टर साहब, कुछ कहा शर्मा ने? इसने खून नहीं किया। इसके और आपके बहन के बीच में जो कुछ भी हो, ये तो बस हरप्रीत ही बता सकती है। हाँ, ये चाहता तो हरप्रीत ही थप्पड़ वाली बात छुपा सकता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि इसने ये खून नहीं किया। हॉस्पिटल से? हेलो जी, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, मैं होश आ गया है। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब, गुड न्यूज है, महक को होश आ गया है। हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए, महक का बयान लेना बहुत जरूरी है, हो सकता है वो हमें कुछ बता दे, चलिए हमारे साथ। आखिरकार महक को होश आ गया, पुलिस फौरन महक की गवाही लेने निकल गई, क्योंकि महक की मुख्य गवाह राजेंद्र ने अपराधियों को नहीं देखा था। अब पुलिस को लगा कि महक से पूछताछ करने से वो अपराधियों तक पहुंच पाई। हालांकि महक को होश तो आ गया था, लेकिन अब भी वो ICU में ही। ये महक की रिपोर्ट है डॉक्टर साहब,
अगर आपकी इजाजत हो तो हम महक से कुछ पूछताछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्यार से। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब अब तो महक को होश आ गया, मैं उसे घर लेके जाना चाहता हूँ। देखिए मिस्टर वालिया, महक अभी ऐसी हालत में नहीं है कि आप उसे घर ले जाएं। लेकिन प्लीज मुझे अब उसे इस हॉस्पिटल में नहीं रखना। यहाँ पर पता नहीं कितनी बार वो पुलिस वाले आकर मेरी बच्ची को परेशान करते रहे। और हाँ, मैं उसका बाप, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं उसे जहाँ चाहूँ वहाँ लेके जा सकता। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन महक अभी भी ठीक हालत में नहीं है। कल को उसे कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं। मैं भी महक के डिस्चार्ज पेपर बनवाता हूँ। जी थैंक यू। देखिए हमने राजेंद्र के बारे में बहुत पूछताछ करने की कोशिश की और हर किसी ने कहा कि वो अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता है। इट इज नॉट पॉसिबल इंस्पेक्टर, वरना महक मुझसे ये क्यों कहती? पापा उसे मार देंगे। देखिए हो सकता है कि अभी तक वो बच्ची इस हादसे से उबर नहीं पाई। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ गड़बड़ लगती। मैंने डॉक्टर साहब से खुद पूछा था और उन्होंने मुझे बताया है कि जीजा जी ने महक को जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाया हॉस्पिटल से। लेकिन इस बात से हम राजेंद्र पर शक तो नहीं कर सकते? सारे पड़ोसियों का यही कहना है कि बहुत ही हैप्पी फैमिली थी। ये सच नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी बहन के शरीर पर चोटों के निशान देखे। हरप्रीति ये क्या हुआ, गाल दिखाओ। अरे कुछ नहीं हुआ, वो मैं गिर गई थी, उसके निशान ही है। तो ये बता खाएगी क्या खाने में? मैंने उससे कई बार पूछा और मेरे लाख पूछने के बाद उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, हर बार कोई ना कोई बहाना बना के टाल देती थी। आप खुद ही सोचिए, जब मेरी सगी बहन ने मुझे ही कुछ नहीं बताया तो वो आस पड़ोस वालों को या किसी को भी कुछ क्यों बताएगी? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इंस्पेक्टर, आपको छानबीन करनी पड़ेगी। जब मनप्रीत ने पुलिस को बताया कि राजेंद्र उसकी बहन के साथ मारपीट भी करता था तो पुलिस ने घरेलू हिंसा को जोड़कर इस केस में जांच आगे बढ़ाया। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार सन 2007 से लेकर सन 2010 तक घरेलू हिंसा के 26,808 केसेस दर्ज हो चुके और इसी बीच एक मेडिकल रिपोर्ट से पुलिस को राजेंद्र पर अपना शक और भी पक्का करने की एक और वजह मिल गई। यह है महक, राजेंद्र और हरप्रीत की मेडिकल रिकॉर्ड। इससे एक बात तो तय है कि तीनों पर एक ही चाकू से अटैक किया गया था। हाउ इज इट पॉसिबल, अगर तीनों पे एक ही चाकू से अटैक किया गया था तो उसके वार का असर सिर्फ दीदी और महक पे क्यों हुआ, जीजा जी पे क्यों नहीं? क्योंकि चाकू की नोक राजेंद्र के नसों तक नहीं पहुंची, वरना जहां घाव था अगर चाकू वहां और डीप चला जाता तो बहुत रिस्की हो सकता था। किस्मत वाला था वो, यही कह सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र किस्मत वाला था या फिर बहुत श्याणा था, ये तो अब वक्त ही बताए। अगर मियां बीबी के बीच में कुछ हुआ भी होगा इंस्पेक्टर तो हमें नहीं पता, हमें ही क्या किसी भी पड़ोसी को नहीं मालूम होगा। तो फिर घर के अंदर काम करने वाले किसी आदमी को कुछ पता होगा, जैसे कि उनके घर पे काम करने वाली कोई बाई या फिर कोई और? मिस्टर वालिया के घर में कोई काम नहीं करता था, ये बात बड़ी अजीब है लेकिन पता नहीं क्यों मिस्टर वालिया अपनी बीवी से इतना प्यार करते थे लेकिन अपने घर में एक काम वाली बाई को भी नहीं रखे थे। हाँ लेकिन आज से 3-4 साल पहले एक औरत ने 3-4 महीने के लिए कुछ काम किया था, 3 साल पहले जब मिसेज वालिया दोबारा प्रेग्नेंट हुई थी तब। मिसेज शेखावत, उस बाई का पता मिल सकता है हमें? वो अब मिस्टर पांडे के यहाँ काम करती है। साहब 2-3 महीने के लिए मुझे काम पे रखा था जब हरप्रीत मैम साहब पेट से थी, तो उसके बाद तो साहब ने मुझे काम से निकाल दिया। तुम्हारे मैम साहब ने कुछ बोला नहीं उन्हें? नहीं सर, वो एकदम गरीब गाय जैसी थी। एक बार मुझे मार्केट में मिल गई थी तो मैंने उसे पूछा इस साहब ऐसा क्यों कहते हैं, उन्होंने मुझे बोला मत बोलना, किसी को बताना भी नहीं। सर मिस्टर वालिया के बगल में रहने वाले शेखावत जी ने हमें इस पेंट वाले के बारे में बताया था, इस पेंटर ने साल भर पहले वहाँ पर पेंट किया था। सर वो राजेंद्र वालिया बहुत अजीब सा आदमी है, एक नंबर का शक्की। क्यों, ऐसा क्या देख लिया राजेंद्र में? साहब 6 दिन काम किया
एक दिन मेम साहब बात करने क्या आ गई, उसने बोला सुबह को नहीं शाम को काम किया करो, वो भी मेरे सामने। और एक दिन तो तमाचा मार दिया अपनी वाइफ को हमारे सामने। ऐसा शक करने वाला आदमी, बीवी से मारपीट करने वाला आदमी अपनी बीवी का खून भी कर सकता है। मिस्टर वालिया, क्या प्रॉब्लम थी आपको अपनी वाइफ से? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किसने कहा आपसे कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम थी? सारा इतिहास निकाल चुके हैं हम तुम्हारे बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आप अपनी पत्नी पर ऐसे हाथ उठा दिया करते? इंस्पेक्टर साहब, छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में। बीवी पर हाथ उठाना कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं होता। हरप्रीत तो जिंदा नहीं, वो तो आपको कुछ बता नहीं सकता। हो सकता है कि जिन लोगों ने आपको ये सब कुछ बताया है वो शायद मुझसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हो, या तो फिर आपको बेवकूफ बना रहे। कौन किसको बेवकूफ बना रहा है इसका अंदाजा हो रहा है मुझे। You know what? आगे से मेरे वकील आपसे बात करेंगे। So thank you. इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें जाने नहीं दे सकते। अगर ये यहाँ से चले गए तो ये महक को भी मार डालेंगे। हम इन्हें नहीं रोक सकते, जाने दीजिए। सबसे हैरानी की बात ये है कि राजेंद्र जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी दखियानुसी सोच रखते हैं। राजेंद्र के सिर्फ बेटे की चाह ने उसके बसे बसाए घर को उजाड़ कर रख दिया, लेकिन फिर भी उसे इस बात का अफसोस नहीं था। पुलिस के पास भी राजेंद्र के खिलाफ कोई सबूत नहीं, तो क्या राजेंद्र इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद कभी पकड़ा नहीं जाए? ये तो है कि राजेंद्र शक्की था, बात बात पर हरप्रीत को मारता पीटता, लेकिन उसने ये खून किया इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं। और हाँ, जब तक महक उसके पास है तब तक वो डर के मारे कभी सच नहीं बोली। एक सबूत मिल सकता है इंस्पेक्टर साहब, यदि दीदी का खून जीजाजी नहीं किया तो फिर वो गहनों की चोरी भी नहीं हुई होगी। हो सकता है वो घर में ही कहीं हो, ये भी हो सकता है कि जीजाजी ने कहीं घर में छुपा के रख दिया हो। सही कह रहे हो, और ना ही बचेगा कोई गवाह और ना ही सामने आएगा कोई सच। ये जहर महक का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देगा। जल्दी चलाइए इंस्पेक्टर साहब, अगर जीजा जी ने महक को कुछ कर दिया तो। आप परेशान मत होइए, आप शांति से बैठिए, सब ठीक हो जाएगा। यस मिस्टर वालिया, हमें आपके घर की तलाशी लेनी। लेकिन आप ऐसे कैसे किसी? हमारे पास आपके खिलाफ सर्च वारंट है। अच्छा यही होगा कि आप कॉपरेट करें, वरना आइए। आओ महक, महक कहाँ? महक, सर ये आटे के डिब्बे से पोटले में नहीं, उसका कहने। देखा मैंने क्या कहा था इंस्पेक्टर? देखा आपने? कौन सी चीज कहां से मिली इसका तो हम पता लगा ले। मनप्रीत की होशियारी और सूझबूझ की वजह से ही राजेंद्र पकड़ा जा सका। राजेंद्र के घर से जो गहने मिले उसे ये साबित हुआ कि वो झूठ बोल रहा है। पुलिस को वो चाकू भी मिल गया जिससे हरप्रीत की हत्या की गई। महक को पहले भी मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार महक को जहर देकर मारने की कोशिश करते हुए राजेंद्र पकड़ा गया। अब पुलिस के पास काफी सबूत थे राजेंद्र को अदालत में दोषी साबित करने के। ये बात तो तय थी कि राजेंद्र को जरूर सजा मिलेगी। बंद! हाँ, हाँ, मैंने मारा अपनी पत्नी को, मैंने मारा उसे, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की अपने से छोटी लड़की के साथ शादी करके। लेकिन उसने किया क्या कि तुमने उसे जान से मारा? मुझे एक लड़का चाहिए, उसने उसे मार दिया और उसकी वजह से 3 साल तक हमारे बीच में हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता कायम नहीं हो सका। शर्मा, यह हमारे घर में काम करने वाला कारपेंटर था, सबके साथ हंस हंस के बात करती थी, नहीं मेरे पीछे किस किस के साथ क्या क्या किया होगा। इसीलिए तो उसे मेरी कभी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसकी शरीर की सारी जरूरतें बाहर के लोगों से जो पूरी होती थी। और इसी शक की वजह से तुमने अपनी पत्नी का खून कर दिया है ना? लेकिन तुमने अपनी बेटी महक को तुम क्यों मारना चाहते?
बोल। महक, महक को मैं नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसने मुझे खून करते हुए देख लिया था। बेटे के चाम और पत्नी की शक की वजह से जो तुम्हारे पास था ना, तुमने वो भी खो दी। अब जेल में रहके पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा कर, समझे ना? पति पत्नी के रिश्ते में प्यार से भी बढ़कर होता है एक दूसरे पर विश्वास करना। लेकिन इस केस में राजेंद्र न सिर्फ अपनी पत्नी पर शक कर रहा था, बल्कि उसके साथ मारपीट भी करता था। और हरप्रीत घरेलू हिंसा के शिकार होके भी इसे खामोश सहती रही। अगर किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो इसे चुपचाप नहीं सहना चाहिए। मारपीट का यह सिलसिला एक दिन बढ़कर आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को खतरे में डाल दे, इससे पहले इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर किसी भी महिला आयोग में जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं आप। अफसोस, अक्सर हमारे समाज में ये सोच नजर आती है कि बेटियां पराई होती हैं, बेटे अपने होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बेटा हो या बेटी, दोनों आपके अपने होते हैं। बस सिर्फ अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। और जो लोग अपना ये सोच नहीं बदल सकते, वो बेटी की चाह में अपने पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देते। जैसे आपने इस केस में देखा, राजेंद्र ने बेटे की चाह में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, खुद जेल में सजा काट रहा है, और मासूम महक इस छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप से अलग हो गई। अगर एक नजर से देखा जाए तो महक सब कुछ होते हुए भी अनाथ हो गई। ये सब सिर्फ इस सोच की वजह से। याद रखिए दोस्तों, अगर बेटियां हैं तो कल जीवन है, अगर बेटियां ही नहीं रहेंगी तो इस धरती पर से इंसान का अस्तित्व ही मिट जाएगा। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार।